हेलो गाइस, वेलकम टू परब चैनल। सो टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस सम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। फर्स्टली वी आर गोइंग टू डिस्कस द डिफिनेशन फ्रॉम चैप्टर नंबर इलेक्ट्रिसिटी क्लास 10। सो फर्स्ट इम्पोर्टेंट डेफिनेशन इज ऑफ करंट। द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नोन एज करंट, या आप ऐसा भी बोल सकते हैं इसके हिसाब से, द फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम इज नोन एज करंट। दोनों में से कोई भी आप डेफिनेशन जो है करंट की दे सकते हैं। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट डेफिनेशन हमारी किस कह सकते हैं, सर्किट की। सर्किट क्या है? द कॉन्टिन्यूस एंड क्लोज्ड पाथ इन विच करंट कैन फ्लो इज नोन एज इलेक्ट्रिक सर्किट। फॉर एग्जाम्पल, ये क्या है? इलेक्ट्रिक सर्किट। इसमें क्या कर रहा है? करंट जो है फ्लो कर रहा है। यहाँ पे की लगा दीजिए और एमीटर, रेजिस्टर, कुछ भी लगा दीजिए, ठीक है। ये हो गया हमारा सर्किट। आगे क्या आ गया? हमारा एमीटर। एमीटर क्या है? एमिटर एक ऐसा डिवाइस है जो कि करंट को मेजर करने में हेल्प करता है। एमिटर इज अ डिवाइस विच इज यूज टू मेजर द करंट ऑफ हायर क्वांटिटी। इसका साइन क्या होता है? दिस इज द साइन ऑफ एमिटर। आगे हम देख लेते हैं गैल्वेनोमीटर के बारे में। व्हाट इज गैल्वेनोमीटर? इट इज सच एन इंपॉर्टेंट डेफिनेशन दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस इन दिस सेशन। Really helps in your board exams. Galvanometer एक ऐसी डिवाइस है जो कि क्या करती है? Show the small quantity के currents होते हैं ना, small currents, उनको मेजर करने में हेल्प करती है। और ये लेस सेंसिटिव होती है, लेस सेंसिटिव, नाजुक होती है, ठीक है। 5 एम्पियर तक अप्रोक्स जो है मेजर कर सकते हैं। इसको अगर हम 20 एम्पियर, 200 एम्पियर सॉरी, इसको दे दे तो क्या हो जाएगा? ये खराब हो जाएगी, इसकी जो की है वो घूमने लगेगी, ठीक है। आगे क्या जाएगा? पोटेंशियल डिफरेंस। सच अ इंपॉर्टेंट डेफिनेशन, पोटेंशियल डिफरेंस। व्हाट डू यू मीन बाय पोटेंशियल डिफरेंस? इट इज द पोटेंशियल बिटवीन टू पॉइंट्स। पोटेंशियल बिटवीन टू पॉइंट्स इज नोन एज पोटेंशियल डिफरेंस। अगर फॉर्मूले के हिसाब से देनी है, पी इज इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन यू, वर्क डन पर यूनिट चार्ज इज नोन एज पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स, और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। ये होगी हमारी पोटेंशियल डिफरेंस की। आगे देख सकते हैं वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर क्या है? मैंने अपनी पूरी सीरीज में वोल्ट मीटर का बहुत नाम लिया है। वोल्टमीटर इज अ डिवाइस विच इज यूज टू मेजर पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। पोटेंशियल डिफरेंस का और नाम है क्या है? वो वोल्टेज है। पोटेंशियल डिफरेंस का अनदर नेम क्या है? वोल्टेज। वोल्टमीटर का क्या मेजर करने में हेल्प करता है? पोटेंशियल डिफरेंस। ये आपको पूरी हर एक चीज लर्न करवानी है, ठीक है। अगर लर्न करोगे तो ही आपके मार्क्स आने वाले हैं। आगे करंट का, अगर हम करंट के बारे में बात करें, एम्पियर। व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ एम्पियर? एम्पियर की क्या डेफिनेशन है? इट इज द एसआई यूनिट ऑफ करंट। सिंपल, इट इज एसआई यूनिट ऑफ करंट, ये लिख देना। आगे आपको उसके वोल्ट, एम्पियर और करंट की मैं आपको एक और भी डेफिनेशन बताता हूँ। इट इज एसआई यूनिट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस। आगे एम्पियर की डेफिनेशन आप क्या लिख सकते हो? आई इज इक्वल टू क्यू अपॉन डी है हमारा। यहाँ पे क्या एम्पियर, यहाँ पे कूलम, यहाँ पे क्या आ गया? टाइम। क्या अगर 1 एम्पियर इज डिफाइंड एज व्हेन द चार्ज ऑफ 1 कूलम इज यूज इन 1 सेकेंड। सॉरी, यहाँ पे सेकेंड रहेगा, ठीक है। 1 सेकेंड, ये आप किसकी डेफिनेशन दे सकते हो? 1 एम्पियर की। एम्पियर का मेन मतलब क्या है? 1 एम्पियर। आगे 1 वोल्ट की भी ऐसे दे सकते हो, 1 वोल्ट इज इक्वल टू 1 जूल अपॉन 1 कूलम। 1 वोल्ट इज डिफाइंड एज व्हेन द वर्क डन ऑफ 1 जूल इज डन ऑन अ चार्ज ऑफ 1 कूलम। ये आप इसकी डेफिनेशन दे सकते हो वोल्ट की। आगे चार्ज की डेफिनेशन आ सकती है आपको।
चार्ज क्या है? I is equal to Q upon T. ये है हमारा चार्ज, Q is equal to IT. क्या बन सकती है इसकी डेफिनेशन? चार्ज इज डिफाइंड एज करंट इनटू टाइम. या चार्ज की डेफिनेशन दे सकती हो. इसका ऐसा यूनिट क्या है? कूलम. उसकी भी डेफिनेशन आपको आ सकती है. कूलम इज द ऐसा यूनिट ऑफ चार्ज, ये आप दे सकते हैं. ठीक है, ऐसे बहुत सारी डेफिनेशन बन सकती हैं. जैसे कि अगली डेफिनेशन हम देखने जा रहे हैं रेजिस्टेंस की. रेजिस्टेंस इज अ प्रॉपर्टी ऑफ मेटल टू रेजिस्ट द फ्लो ऑफ चार्जेस. रेजिस्टेंस का मतलब क्या है? रुकावट पैदा करना. रेजिस्टेंस का मतलब है रुकावट. आगे हम देख सकते हैं ओहम की डेफिनेशन. व्हाट डू यू मीन बाय ओहम? ओहम इज द ऐसा यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस. आप ये बता सकते हो. ठीक है, ये किसके नाम से आया? जॉर्ज साइमन ओहम. नेक्स्ट आपकी डेफिनेशन बन सकती है ओहम लो पे. व्हाट डू यू मीन बाय ओहम लो? ओहम लो इज डिफाइंड एज व्हेन द करंट ऑफ आई is used and there is potential difference P and when and if there is potential difference V, क्योंकि उसका ये sign है, and when V is directly proportional to I, when all the conditions remain constant. Constant यानी जो पहले हैं वैसे ही हैं. Conditions कैसी? जैसे कि temperature, humidity. ठीक है, ये constant रहते ये क्या बना देता है? ohm's law. आगे आपको definition आ सकती है ohmic conductors की. ओमिक कंडक्टर्स. व्हाट आर ओमिक कंडक्टर? द कंडक्टर डेट फॉलो ओम्स लॉ आर नोन एज ओमिक कंडक्टर. फॉर एग्जाम्पल सीयू. सीयू इज द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ ओमिक कंडक्टर्स. आगे हम देख सकते हैं व्हाट डू यू मीन बाय रेजिस्टिविटी. व्हाट डू यू मीन बाय रेजिस्टिविटी? Resistivity is defined as the resistance of that metal of length per unit and area cross section per unit. Area cross section क्या है? 1/A. What is it? Is area cross section. ये इसकी example resistivity की. आगे वैसे बहुत सारे आ जाएंगे. What do you mean by ओहम मीटर? ओहम मीटर की क्या डेफिनेशन है? ओहम मीटर इज डिफाइंड एज द ऐसा यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी. ये रेजिस्टिविटी का क्या है? ऐसा यूनिट. आगे हम देख सकते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन. द कॉम्बिनेशन इन विच ऑल द एपीएमसीज बोल सकते हो. All the resistance are placed parallel is known as series combination. और series combination में mainly क्या होता है कि जो voltage in this combination, voltage is mainly divided in between all the resistors and current is always same in all the resistors. आगे क्या आ सकता है? Parallel combination. Parallel combination is defined as when all the appliances are placed parallel and in this current is divided but voltage is always same in all the appliances. ये हो गई हमारी 18 definition. आगे हम ऐसे ही carry on करते हैं. आगे किसकी बन सकती है? Joule's law of heating की आगे आ रही है. Joule's law of heating. Joule's law of heating. What do you mean by Joule's law of heating? Joule's law of heating is defined as when heat is directly proportional to square of current, heat is directly proportional to time, heat is directly proportional to resistance. And by taking conclusion from 1, 2, 3, H is equal to I square RT. ये आपको बता देना है जूल्स ऑफ हीटिंग में. आगे हम देख सकते हैं हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट. हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज डिफाइंड एज व्हेन द इलेक्ट्रॉन, जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वायर में, इलेक्ट्रॉन, ये मानो ये भी इलेक्ट्रॉन,
ये आपस में कोलाइड करेंगे तो हीट इज रिलीज, इट इज मेनली कॉल्ड एज हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ये आप डेफिनेशन दे सकते हैं। आगे हमारी 21 आ सकती है। व्हाट डू यू मीन बाय इलेक्ट्रिक पावर? इलेक्ट्रिक पावर की क्या डेफिनेशन है? इलेक्ट्रिक पावर इज डिफाइंड एज फॉर्मूला है द अमाउंट ऑफ वर्क डन पर यूनिट टाइम इज नोन एज इलेक्ट्रिक पावर। इसकी क्या हो गई डेफिनेशन। आगे आ सकता है व्हाट डू यू मीन बाय जूल पर सेकेंड? जूल पर सेकेंड की क्या डेफिनेशन है? जूल पर सेकेंड इज द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पावर। ये आप देख सकते हैं। यहाँ पर ही हमारी जो मोस्टली सभी डेफिनेशन हमने इस अभी क्लियर कर ली है। अगर फिर भी कोई डेफिनेशन छूट जाएगी मेरे से मैं आपको बता दूंगा। ठीक है,